हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्षय चंद्रिकापुरे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी वॉइस थोड़ी डिफरेंट आएगी क्योंकि 3-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है और सर्दी भी बहुत हो गई है। तो आज मैं बनाऊंगा एक क्यूट से बच्चे की पिक। तो सबसे पहले आई ड्रॉ कर लिया मैंने, अब नोज ड्रॉ कर लेते हैं। और फेस में ब्लेंडिंग के लिए मैं टू बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, साथ ही 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ डार्क एरिया है वहाँ, और ब्लेंड कर रहा हूँ। अब लिप ड्रॉ कर लेते हैं। लिप थोड़ी डार्क है तो उसमें मैं 10B का यूज़ किया हूँ, 10B और 8B का यूज़। लिप ड्रॉ हो गई। अब फेस की आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद ब्लेंडिंग करना है, वही 2B का यूज करके, 2B और 4B पेंसिल का यूज करके आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं जहाँ डार्क एरिया हो वहाँ 4B का यूज करके, और जहाँ लाइट एरिया हो वहाँ 2B का यूज करके। यहाँ फेस में पूरी ब्लेंडिंग कर लिया मैंने। यार थोड़ी डिटेलिंग दे रहा हूँ मैं फेस में, जहाँ जहाँ छूट गई डिटेलिंग। थोड़ी आउटलाइन को डार्क कर रहा हूँ, डार्क करके डिटेलिंग दे रहा हूँ। थोड़ी ब्लेंडिंग भी कर रहा हूँ फेस में जहाँ डार्क एरिया वहाँ। तो डिटेलिंग कंप्लीट हो गई है। अब हेयर बना लेते हैं और हेयर की साइड बना लेते हैं। हेयर के लिए मैं 10B का यूज़ करूँगा, और हेयर के लिए हमेशा 10B का यूज़ करना है क्योंकि सबसे डार्क वही होती है, और जहाँ लाइट हेयर हो वहाँ पे प्रेशर का कम अप्लाई करके 8B से ड्रॉ कर सकते हो। या हेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्लॉथ्स बना लेते हैं। थोड़ी डिजाइन है वहां, उसे मैंने बना लिया है। क्लॉथ्स में भी 4B और 6B का यूज करके ब्लेंडिंग कर लेना, जहां डार्क एरिया वहां 6B या फिर 8B का यूज करके, और जहां लाइट एरिया है वहां 4B का यूज करके क्लॉथ में ब्लेंडिंग करना है। और 3D लुक देने के लिए जहाँ पे डार्क हो वहाँ पे अच्छी तरह डार्क पेंसिल का यूज़ करके ब्लेंड करना है। पिक को ऑब्जर्व करके अच्छे से ड्रॉ करना है। लगभग क्लॉथ भी रेडी होने वाला है। क्लॉथ में डिजाइन बहुत है क्योंकि शायद ये गरबा का क्लॉथ है। ड्राइंग पूरी रेडी हो चुकी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो में जब भी लाऊँ तो आप उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और वॉइस के लिए सॉरी, सर्दी बहुत हो गई तो वॉइस पूरी डिफरेंट आ रही है।